मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को कड़े निर्देश दे रखे हों, लेकिन अधिकारियों में इसका कोई खौफ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने से अधिकारी कर्मचारी गुरेज नहीं कर रहे हैं। संचालित योजनाओं में से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला जनपद बलिया और सोनभद्र से सामने आया है। हालांकि यह बात अलग है कि जनपद बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने गंभीरता से लिया है एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उधर दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, बलिया में 25 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपात्रों को लाभ दिए जाने का मामला सामने आया। पाया गया है कि सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सुनील कुमार यादव ने ग्राम पंचायत मानिकपुर से अर्चना रचना सुमन को शामिल करवाया। इसी तरह ग्राम पंचायत सुल्तानपुर से प्रियंका सोनम पूजा संजू और रमिता का भी विवाह 25 जनवरी को जनपद बलिया के मनियार में सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संजू का विवाह 3 वर्ष पहले जबकि पूजा का विवाह 1 वर्ष पहले हो चुका है। इसके अतिरिक्त अर्चना रंजना सुमन रमिता और प्रियंका का विवाह 2023 में हो चुका है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सोनम का भी विवाह तय ही नहीं हुआ है, फिर भी उसे लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया। डीएम द्वारा गठित कमेटी ने जब जांच की तो इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद 8 फर्जी लाभार्थियों सहित 9 आरोपियों के खिलाफ 30 जनवरी को बलिया में धारा 419, 420 और 409 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। जांच के बाद आरोपी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सुनील कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया। उधर बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बड़े फर्जीवाड़े को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि उत्तर प्रदेश के बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत भाजपा आई भ्रष्टाचार की अजीब धांधली सामने आई है, जहां पैसे का लालच देकर युवाओं को झूठ मूठ का दूल्हा बनाया गया। ये प्रदेश की लड़कियों के साथ धोखा है और भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी। इसकी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़े के पीछे युवा नारियों का पूरा जीवन दांव पर लग सकता है। भाजपा की हर योजना भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनती है। आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा का दूसरा मामला जनपद सोनभद्र से सामने आया है। मामले ने तूल पकड़ा तो समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने जांच कर कार्रवाई करने और पुराने व नए सभी लाभार्थियों को पूरा सम्मान देने की बात कही है। जनपद के ब्लॉक घोरावल में मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 9 वधुओं को नकली और आधा अधूरा सामान देने की शिकायत सामने आई है। इसे लेकर मंडप में महिलाओं ने जमकर हंगामा भी काटा। दरअसल समारोह में 111 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न कराया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद और क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र मौर्य भी मौजूद थे। आरोप है कि वधुओं को नकली पायल और बिछिया दिए गए। आइए पहले सुन लेते हैं दुल्हन अंजू, दुल्हन की मां शिव कुमारी और दुल्हन की परिजन सुनीता देवी को। अंजू, सेमिया, बस लंच मिला है, और कुछ नहीं मिला है। बोला गया है कि ब्लॉक में आप लोगों को सूचित किया जाएगा, फिर आके वहाँ आप लोग ले लेंगे, जो मिलेगा सूचित किया जाएगा। हाँ, साड़ी और चुंदरी मिली, नहीं पहले लाख 500 रुपए की साड़ी मिली है तो पहन। पूरी सब्जी था, आलू की सब्जी था और पूरी था, गेहूं का पूरी बनता है और किसी का। क्या क्या सामान आपको नहीं मिला है? बाकस नहीं मिला है और ड्रम नहीं मिला है, कलश नहीं मिला है और टोंकनी बेडशीट मिला है, वो भी नहीं मिला है, चुंदरी भी नहीं मिली है, एकदम लोकल साड़ी मिली है जैसे फेको पवारो होता है। और क्या नहीं मिला है? और टोंकनी चांदी का जो है वो भी नहीं मिला है, और पाल होता है बिछुआ जो होता है वो भी नहीं मिला है। पाल बिछिया किसका मिला है? जो मिला है वो किस चीज का है? गिलेट है, स्टील का है, स्टील का है, वो भी है पैर मका भी दोनों भी है। अच्छा, जो रजाई गद्दा है, जो रजाई मिला है क्या? ये रजाई मिला है, कैसा रजाई है आपको? आपको पसंद है रजाई? है नहीं पसंद है, एक तो जो टेंट वाले देते हैं उससे भी बुरा। अच्छा, टेंट वाला है ये? टेंट वाला, टेंट वाला से भी बुरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पायल, ये आपको, ये आपकी बेटी का क्या नाम है जिसका था? किसकी? सरोज। आपकी बेटी है? हाँ। उसी की शादी थी? हाँ। तो जो सामान है, जो पायल मिला है, ये पायल चांदी का है, किस चीज का है? स्टील का पायल है। हाँ। तो ये शादी के बाद मिला है, पहले मिला है? पहले मिला। अच्छा, तो कैसे पता चला स्टील का? वही स्टील पता देखा। अच्छा,
तो इसके साथ और मीना वगैरह भी है कि कल पहले मीना एक एक जोड़ा रहल कि एक है एक जोड़ा नहीं है। मामले में समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र रमाशंकर यादव ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। कल घोरावल में सामूहिक विवाह हुआ जिसमें कुछ नकली सामान दिए जाने का मामला आ रहा है प्रकाश में, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की गई इसमें? कार्रवाई तो अभी तो पूरी हुई नहीं है लेकिन यह जानकारी में है और हम लोग यह पूरी कोशिश करेंगे कि जो उस टेंडर का निरस्त हो और नया टेंडर हो और पूरा सामान 10,000 का फिर लाभार्थियों को मिल जाए। आज यहाँ पे चौपन में भी है, सामूहिक विवाह है, इसमें भी लाभार्थियों को सामान नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण? कारण ठीक एक ही है कि जब सामान सप्लाई गलत हुई तो उसको रोक दिया गया है। तो क्या ये कब तक इन लोगों लाभार्थियों को सामान फिर उपलब्ध कराएंगे? तो नहीं निर्धारित कर पाएंगे लेकिन यथाशीघ्र जैसे भी हम लोगों का शासन उसको कार्रवाई पूरा कर लेता है तो एकदम जो भी हमारे यहाँ निर्धारित शासन स्तर से सामान निर्धारित किया गया वो सारा सामान लाभार्थियों को उपलब्ध कराएगा। सर बहरहाल जिस तरह से समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के गृह जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है उसे लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। ब्लॉक चौपन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री संजीव गौड़ भी शामिल हुए। घोरावल की घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। ये संज्ञान में हमारे भी है, कल इसको लेकर के जिलाधिकारी से और अपने हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय असीम अरुण जी से बात करके कि वास्तव में जिसका जो भी टेंडर लिया हुआ है और उस टेंडर को निरस्त करा करके पुनः उसको जो है कि जो अगर इस तरह का जो है कि अगर धोखाधड़ी किया है तो उस पर कार्रवाई होगा, उसको कार्रवाई करने के बाद उनको जो सामान जो गलत दिए हैं उनको पुनः हम लोग उनको सामान उपलब्ध कराएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।